वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका रिविज़न पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम रेगुलर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन में पहला है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों आप ये वीडियो मैप में देख सकते हैं, इधर जो है रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए दूसरा देखते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो रेखा डिवाइड करती है उसे कहते हैं डूरन रेखा। जी हाँ, डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन होती है। आप ये मैप में देख सकते हैं, जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है, जिसे डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा है, पाकिस्तान और भारत को रण के कक्ष पे जो डिवाइड करती है लाइन उसे कहते हैं 24th पैरेलल यानी कि 24वीं समानांतर रेखा। यह गुजरात में कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। चौथा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा जो है, दोस्तों कमला सागर घाट है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है। भारत के समय संविधान संशोधन 2015 में कमला सागर घाट को भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा घोषित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा है, भारत और म्यांमार। जी हाँ, भारत और म्यांमार को जो लाइन डिवाइड करती है उसे अराकान योमा, जी हाँ अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका को जो लाइन अलग करती है, दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो पाक जल संधि। जी हाँ, इसे पाक जल डमरू मध्य या पाक वाटर स्ट्रेट भी कहते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच में बाउंड्री लाइन बनाती है। अगला दोस्तों है जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग जो लाइन है वो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1917 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी और पोलैंड को अलग करने के लिए हिंडनबर्ग लाइन एक निर्धारित किया गया था। अगला है फ्रांस और जर्मनी। दोस्तों फ्रांस और जर्मनी को जो लाइन अलग करती है उसे मैगिनॉट लाइन के नाम से जाना जाता है। मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी को विभाजित करती है। दोस्तों ये नाइन्थ नंबर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली लाइन, जिसे 38वीं पैरेलल लाइन कहते हैं, यानी कि 38वीं समानांतर जो रेखा है वह नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये दोनों एक कंट्री थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हो गए, और इनकी जो डिवाइडिंग लाइन है उसे 38th पैरेलल यानी कि 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दसवां है वो है रियो ग्रांडे नदी। दोस्तों जो रियो ग्रांडे नदी है वो USA को मैक्सिको से अलग करती है। जी हाँ, USA की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है, ये आपको याद रखना है। यदि बात की जाए भारत और चीन की, दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत और चीन को जो लाइन अलग करती उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। दोस्तों आप ये मैप में देख सकते हैं, मैकमोहन रेखा भारत में 1914 में खींचा गया था। आप ये मैप में देख सकते हैं, यह भूटान से 550 मील, जी हाँ भूटान से 550 मील पूर्व दिशा में खींचा गया है। जी हाँ, ये 550 मील है। चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि भारत इसे स्थायी रेखा मानता है। हमारा अंतिम प्रश्न है अमेरिका और कनाडा। दोस्तों अमेरिका और कनाडा को जो लाइन अलग करती है वो है 49वीं समानांतर रेखा। जी हाँ, 49th पैरेलल लाइन जो है वो अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। और यदि कुछ प्रश्न और देखें, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी को कौन अलग करता है, तो जो राइन रिवर है, राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की विभाजक रेखा होती है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से रिलेटेड थे, ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप कोई सुझाव या कमेंट करना चाहते हैं तो हमें सुझाव दीजिए, आपका सुझाव हमेशा स्वीकार्य।